तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द संदीप टीवी। गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ। गाइज ये है एक 4x4 ब्लैक रॉक क्रॉलर। गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी अनबॉक्सिंग होने वाली है। इसके बाद में आता है एक ब्लू रॉक क्रॉलर जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक 4x4 कतई पावरफुल रॉक क्रॉलर होने वाला है यार गाइज। और इनकी अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो इसे खरीदो फ्लिपकार्ट से और इसे भी खरीदो फ्लिपकार्ट से, क्योंकि गाइज 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट रहता है और काफ़ी अच्छा ये वाला रॉक क्रॉलर आप लोगों को मज़े देने वाले हैं। तो यार भाई चलिए फटाफट से हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो गाइज हमारा अनबॉक्सिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है गाइज। इस तरीके से हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है गाइज। यहाँ से टेप मैंने देखो हटा दिया है और गाइज यहाँ से आप लोगों को देखना गाइज, फील लेना जरूरी है भाई साहब। पहले नीचे के बॉक्स को हटाना चाहिए, यही तरीका होता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। कैमरामैन भाई जरा पास में ला के दिखाओ गाइज। इस तरीके की आप लोगों को 3.7 वोल्ट की 500 mAh की एक बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि लिथियम आयन एक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलती है। और गाइज एक रिमोट कंट्रोलर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और गाइज अब हम अपने ट्रक को निकालने वाले हैं गाइज। भाई साहब बोलो कतई जो है। देखिए भाई इस तरीके का हमारा रॉक क्रॉलर इधर पर होने वाला है गाइज। काफ़ी ज़्यादा मजबूत पावरफुल। देखिए गाइज सस्पेंशन देखो यार, इसके सस्पेंशन देखो जरा। कैमरामैन भाई नीचे से दिखाओ भाई। और बात करें अपने इस 8x8 रॉक क्रॉलर की, तो गाइज मैंने इसके इधर पे मैं सबसे पहले इसके टेप को अलग कर रहा हूँ गाइज। मैंने इसके टेप को इस तरीके से अलग कर दिया गाइज, इस तरीके से। और गाइज यहाँ पर देखो इसको अनबॉक्स करने का सही तरीका ये होता है, पहले नीचे का भाग निकालो जिससे ऊपर की पैकिंग खराब नहीं होती। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके का एक रिमोट देखने के लिए मिल जाता है गाइज। ऑन ऑफ का स्विच होता है गाइज इसके अंदर। देखो गाइज काफ़ी अच्छा इसका रिमोट देखने के लिए मिलता है गाइज। ये देखो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है गाइज। और इधर पर आप लोगों को एक चार्जिंग केबल भी देखने के लिए मिलती है। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को 500 mAh की एक लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट की यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइज अब देखो जरा मैं आप लोगों को अपना रॉक क्रॉलर अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। भाई साहब देखो ये टोटली 4x4 रॉक क्रॉलर होने वाला गाइज। बात करूँ इन दोनों ट्रक की कंपैरिजन की, तो गाइज इसके ट्रक के टायर देखो यार भाई, इसके टायर ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके टायर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है गाइज। सस्पेंशन की बात करूँ तो देखो ये देखो भाई, ये देखो इसके सस्पेंशन मुझे थोड़ी सी टाइट लगी है, लेकिन इसके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं गाइज। देखो ये दोनों ही बहुत ही अच्छी मूवमेंट इस तरीके से ले लेते हैं। ब्लैक वाले रॉक क्रॉलर में ये रेड वाली उसकी बैटरी और अपने ब्लू वाले रॉक क्रॉलर में जो व्हाइट कलर की बैटरी मैंने इस तरीके से इसमें लगा दी है। और गाइज इस तरीके से मैंने डिब्बे को इस तरीके से, तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। ओ यार मेरे भाई हो, मेरे प्रधानमंत्री हो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि गिट्टी के ऊपर हमारा रॉक क्रॉलर क्या ही खतरनाक काम कर रहा है। भाई साहब यहाँ पर देखो यार, मजा ही मजा है यार। क्या मतलब यार, ये पूरा 4x4 होता है ना गाइस, तो इसके सामने तो कुछ भी आ जाए तो सब क्रॉस कर जाएंगे। भाई साहब अभी करने वाले हैं रॉक क्रॉलर को, ब्लैक रॉक क्रॉलर को भी अपन गिट्टी के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। और भाई साहब ये देखो यार, क्या ही बताऊँ यार, बढ़िया ड्रिफ्ट मार मार के एकदम चल रहा है गाइस। और इधर पर देखोगे ना जब आप इसको, तो बड़ी आसानी से इसने बहुत सारे टास्क जो है हमारी गिट्टी के ऊपर से पार कर लिए हैं। अब गाइस हम इनकी करवाने वाले हैं टोटल ऑफ रोडिंग। भाई ऑफ रोडिंग करा के देखेंगे कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या बताऊँ भाई साहब, मतलब यार कुछ आ जाए इनके सामने तो कुछ भी नहीं। मतलब यार मेरे 1450 रुपये खराब नहीं गए, मतलब एक नंबर चीज़ मिली है मेरे को 1450 रुपये में। क्या चाहते हो यार, देखो इतना बड़ा पत्थर आया ना तो भी देखो कितने आराम से बड़ी आसानी से उसको है ना उससे पार कर लिया। तो मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो ना, अभी अपने ब्लैक वाले रॉक क्रॉलर को भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे यार। वो हालांकि थोड़ा सा सस्ता पड़ता है इससे, लेकिन देखो भाई साहब लोगों में तो भाई ये ब्लैक वाला एक नंबर लगता है। भाई देखो ये फंस रहा है लेकिन यार निकल गया। देखो बैक करके जब मैंने किया ना तो बड़े आराम से निकल जाएगा, देखना अभी। हाँ कहीं से फंस जाता है कभी कभी, लेकिन ये इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है चलने में, लेकिन यार चलने में तो बहुत बिंदास चीज़ है भाई। बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑफ रोडिंग करता है गाइज, और मानो मेरी बात को बुरा नहीं है, अच्छा रॉक क्रॉलर है, ले सकते हो आपको लेना हो तो। गाइज बैटरी की थोड़ी सी दिक्कत रहती है ना, तो बैटरी आप अगर सही नहीं आती इसके साथ में तो चेंज कर लेना बैटरी, मतलब दूसरी ले लेना। अभी इनके ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे। ओ भाई बड़े आराम से ले जा पा रहा है यार, मतलब इतना इजीली उठा रहा है उसको, उसके मतलब जो दूसरा वाला जो उसका कंप्यूटर। अभी भाई ब्लू वाले के ऊपर ब्लैक वाले को रखेंगे। वीडियो लाइक करो, चलो भाई देखो अभी तुम लोग देखो। ओ भाई साहब मतलब यार बड़े आराम से दोनों एक दूसरे का वेट कैरी कर रहा है। मतलब कुछ कड़क करना पड़ेगा अपन को, कुछ खतरनाक सी चीज़ करेंगे इनके ऊपर बहुत सारा। 3 किलो की ईंट रखेंगे एक सीमेंट की गाइस। और पहले उसके पहले हम इनकी देखेंगे जरा कितनी रेंज है इनकी। रेंज देखो भाई साहब, रेंज चेक करना है और स्पीड भी इसी में चेक होगी। भाई साहब ब्लैक वाला ब्लू वाले से फास्ट है गाइस, ब्लैक वाले की स्पीड ब्लू वाले से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो पीछे चढ़ गया उसके। और भाई अभी इनके बीच में कराएंगे टग ऑफ वॉर और गाइस देखेंगे कि वीडियो में कितना ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, जिसके तरफ ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अपना ब्लू वाला जो है ना ब्लैक वाले के ऊपर पड़ने लगा है भारी।
और यहाँ मेरा भाई गाड़ी यहाँ चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। तो गाइज ब्लू वाली यहाँ जीत चुकी गाइज। अभी हम इनके ऊपर रखेंगे 3 किलो की ईंट गाइज साहब, यही वाला है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। टायर देखो यार बिल्कुल दब चुके हैं, बिल्कुल टायर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, टायर बिल्कुल दब चुके हैं एकदम। ओ भाई साहब 3 किलो का वेट बड़े आराम से लेके चला गया भाई, 3 किलो का वजन ऐसे ही लेके चला गया वो, देखो आप लोगों लेके जाता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, मतलब यार कुछ तो दम है रॉक क्रॉलर में। देखो ना अभी गिर गया रॉक क्रॉलर के ऊपर से। अभी अपने ब्लैक वाले के ऊपर रखेंगे गाइज, देखते हैं और आगे बढ़ पाता है कि नहीं बढ़ पाता। तो गाइज इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका हाथ का सपोर्ट दिया मैंने थोड़ा सा, और गाइज ये भी ठीक ठाक ले जा ही पा रहा है, लेकिन ये अपने ब्लू वाली की कंपेरिजन में नहीं ले जा पाया। तो ब्लैक ब्लू वाला इस जगह पे विनर है हमारा। अब गाइज यहाँ पर इसके ऊपर ग्रास टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, आप लोग लुक देख लो गाइज, काफ़ी घनी ग्रास होने वाली है, इधर घास बहुत ज़्यादा घनी है। तो देखो भाई साहब अभी देखो, ये देखो भाई, मतलब इसके ब्लू वाला अभी तक के कोई भी चीज़ नहीं हारा है, बस स्पीड का जो कंपटीशन था उसको छोड़ के बाकी सबको। गाइज देखो अभी ये चढ़ाई अड़ाई वगैरह देखो कितने आराम से चढ़ गया, ये देखो कितना ऊपर चढ़ गया। अभी देखो ब्लैक वाला आता है भाई साहब, ब्लैक वाले को हम देखो अभी चढ़ाएंगे ग्लास के ऊपर, ग्रास के ऊपर चढ़ाएंगे घास के ऊपर। देखो भाई साहब ये देखो यार, मतलब यार ये फंस गई गाइज, ये नहीं निकल पाएगा घास से, क्योंकि ये मतलब उतना ज़्यादा पावर नहीं है ना इसके अंदर गाइज। अभी इनके मुड़ने का देख लो क्या ठमक ठमक के, बिल्कुल से गाइज बिल्कुल जहर मुड़ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं बोलूँ आप लोगों को कि ब्लैक वाला रॉक क्रॉलर ले लो, अच्छा मुड़ता है,